हेलो एवरीवन वेलकम टू पड़ो इंडिया आज हम मिशन बुनियाद में करेंगे हिंदी कहानियाँ और इसकी कहानी है एक गीली बालू बालू का मतलब होता है रेत सपना के घर के सामने बालू का ढेर है सपना और मालू वहाँ खेलने गए सपना बालू से गुफा बनाने लगी दूसरी तरफ मालू ने भी घर बनाना शुरू किया सपना की गुफा बनकर तैयार हो गई मालू ने घर बनाना छोड़ दिया वह गुफा के दूसरी ओर से एक नई गुफा बनाने लगा सपना बोली मेरी गुफा खराब मत करो मालू लेकिन मालू बिना सुने धीरे धीरे बालू बाहर निकालता रहा थोड़ी देर बाद वह बोला जरा सामने आकर देखो मैंने तो पुल बना दिया दोनों पुल देखकर खुश हो गए यहाँ बच्चों देखिए चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह ये बच्चे बालू के साथ में खेल रहे हैं गीली बालू के प्रश्नोत्तर करते हैं प्रश्न एक कहानी में आए शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए कहानी में जो शब्द आए हैं वो हैं पुल सामने खराब धीरे गुफा मालू और बाहर गोला लगा दिया है हमने इनपे प्रश्न दो आपके घर के आसपास कौन सी चीज़ें हैं दिए गए बॉक्स में लिखिए घर के आसपास चीजें हैं जैसे बगीचा मंदिर घर पेड़ दुकान और खम्बा जो जो घर के आसपास चीजें हैं वो यहाँ लिखनी है प्रश्न तीन देखिए कहानी में आए व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम वाले शब्दों पर गोला लगाइए इस कहानी में कुछ व्यक्तियों के वस्तुओं के और स्थानों के नाम आए हैं हमें उन पर गोला लगाना है जैसे गुफा एक जगह का नाम है मालू एक व्यक्ति का नाम है घर एक जगह का नाम है बालू भी एक चीज़ का नाम है सपना भी नाम है पुल भी नाम है ये खुश बनाना बाद बाहर ये किसी भी चीज़ के नाम नहीं है तो हम इन पर गोला नहीं लगाएंगे प्रश्न चार देखिए आपने पुल कहाँ कहाँ देखे हैं उन जगहों के नाम लिखिए तो पुल हमने देखे हैं नदी के ऊपर सड़क पर देखे हैं और मेट्रो का पुल भी देखा है प्रश्न पाँच घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पता करके लिखिए घर बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनकी ज़रूरत होती है वो है ईंट सीमेंट पानी बदरपुर लोहा लकड़ी प्लास्टिक बिजली की तार कांच और टाइल